हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम केयर। मैं हूँ ऐश्वर्या। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने ये अपने असल ज़िंदगी में, मैंने ये जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ वो मैंने बहुत ही यूज़ किया असल ज़िंदगी में, मैंने अपने बच्चे के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। गाइज, अगर हमारे बच्चों को चोट लग जाती है, ख़ासकर सर पर जब चोट लग जाता है, जब वो सोए होते हैं बेड पे, तो आप अचानक, अगर आप कभी कहीं चली गई हो और वो आप अचानक वो बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं, उनके सर में चोट लग जाता है, या फिर वो खेलते खेलते खुद ही गिर जाते हैं, या फिर उन्हें कहीं और टक्कर लग जाती है और वो सर में चोट लग जाता है, तो सर का जो चोट होता है वो आगे चल के बहुत ही बड़ा इंजरी बन सकता है हमारे बच्चों के लिए। अभी उस वक्त शायद उनको कुछ पता ना चले, बाद में ऐसा हो कि खून हम माथे में जम जाए, या फिर बाद में ऐसा हो कि वो चोट आगे जाके बहुत भयंकर रूप ले ले, तो उसको रोकने के लिए हम लोग उस वक्त कौन से मेडिसिन उनको दें, आइए जानते हैं इस टॉपिक में हम लोग। गाइज, मैं ये वीडियो बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देना था आप लोगों को। मैं सोच रही थी कि मैं ये यूज़ करती हूँ तो क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बच्चों का जो सर का चोट होता है वो बाद में जाके कहीं उनके लिए भयंकर रूप ना धारण कर ले, या फिर खून माथे में हो जाए और हमें पता ना चले वो कंटिन्यूस रोए जा रहे हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम उन्हें इंस्टेंटली कौन सा दवा अपने पास रखें और उनको दें, आइए जानते हैं गाइस। तो ये मैंने आर्निका मॉन्टना 200 CH, देखिए एक सेकेंड, इस फोकस नहीं कर पा रहा है, एक सेकेंड गाइस, शायद अब ये फोकस कर रहा हो, देख रहे हैं जैसे कि ये होम्योपैथिक का दवा है, SBL कंपनी का, जो कि बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है होम्योपैथिक दवा में। लिक्विड डाइल्यूशन है गाइस, ये लिक्विड दवा है बिल्कुल, आर्निका मॉन्टना 200 CH। तो ये एक होम्योपैथी का मेडिसिन है जो कि बच्चों को उस वक्त दिया जाता है जबकि बच्चे गिर जाते हैं, उनके सर में चोट लगी होती है, ये छोटी चोट हो या बड़ी चोट हो, ये दवा आप किसी भी चोट में दे सकती हैं। इससे क्या होता है कि जो सर में खून जमने का जो जमाव हो सकती है हेड में, तो वो इससे नहीं जमता है। इसको देना कैसे है, आप होम्योपैथिक के स्टोर पे जाएं एंड उनसे मांगे कि सर में जो बच्चों को चोट लग जाता है आर्निका जो दिया जाता है वो आर्निका आप मुझे दें, वो आप उनसे पूछ सकती हैं कि मैं कैसे दे सकती हूँ बच्चों को। ये बच्चों को मैं ख़ासकर तब देना शुरू करते हैं जब वो बच्चा 6 मंथ का हो जाता है। 6 मंथ के पहले का आर्निका जो है उसका डोज दूसरा होता है, उसको कम डोज दिया जाता है, बट 6 मंथ का जो बाद का बच्चा होता है तो उसको आप थोड़ा 2 बूंद, आप उसे एक चम्मच में पानी लेके 2 बूंद आर्निका का ड्रॉप लें और उस बच्चे को दे पिला दें। ये आप 2 से 3 बार दे सकती हैं, 2-2 घंटे पर भी दे सकती हैं ये ड्रॉप। उससे क्या हुआ कि बच्चों का जो चोट है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ये बहुत ही गाइस बहुत पावरफुल दवा है चोट चपेट के लिए बच्चों को, तो इसलिए आप बिल्कुल अपने पास रखें। अगर आप कहीं ट्रैवल करने भी जाती हैं तो बहुत ही छोटा इसका पैक लें, आप अपने साथ इसको ले कर चल सकती हैं। जिसके भी घर में बच्चा है इसे ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं। तो गाइज, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए शायद बहुत लाभकारी हो। तो अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।